नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं SSC CPO टायर वन की कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल OBC EWS और SC ST के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्स सर्विस मैन के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, OH कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कट ऑफ कम जाएगी, सबसे पहले सटीक न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको आप देखकर अपना अनुमान लगा सकते हैं। और आपका जो स्कोर है, आपको लगता है कि आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके आधार पर भी हम अपनी कट ऑफ को देखेंगे। एंड अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर SSC CPO टायर वन की कट ऑफ के बारे में, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही फिलहाल में चल रहा है। और मैं SSC CPO के टायर वन के एग्ज़ाम में GS के, जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी वीडियोस में आपको समय समय पर दे रहा हूं। तो SSC की तैयारी अगर आप करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप्स में। SSC से रिलेटेड अगर आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि SSC की सारी अपडेट्स सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं SSC CPO की टायर वन की कट ऑफ जो पिछली बार रही थी। अब यहाँ से हम दोस्तों देख सकते हैं 2016 और 2015 में मेल कैंडिडेट्स की CPO की कट ऑफ कितनी रही थी, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, जिसमें जनरल की कट ऑफ 89.75 थी, OBC की 77, SC की 67, ST की 67 और एक्स सर्विसमैन की 30 रही थी। नेक्स्ट अगर दोस्तों इसी बात तरह बात करें हम, तो 2015 में 88 रही है, OBC की 74, SC की 68 एंड ST की 65 और एक्स सर्विसमैन की 63 रही थी। इसी तरीके से हम 2014 की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर डाटा थोड़ा सा कम देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं समय समय पर डाटा, यानी कि जो कट ऑफ है वो बढ़ी है। 2016 की कट ऑफ बढ़ी है, फिर 2015, अब 2014 में सबसे कम है, तो 85 जनरल, OBC की 70 थी, SC की 63 और यहाँ पर ST की 65 थी और एक्स सर्विसमैन की सिर्फ 40 ही गई थी। अब इस आधार पर हमने ये देखी, मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ देखी, किसकी देखी, मेल कैंडिडेट्स। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ इसी ईयर की देखें तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिली, जनरल की 83, OBC 69, SC की 60 और ST की 58 मिली। ऐसे ही यहाँ पर 2015 की देख सकते हैं हम, जनरल की 83, OBC की 70, SC की 62 और ST की 60। 2015 की देखें तो जनरल की 81 पॉइंट वगैरह मैं नहीं बोल रहा हूँ, OBC की 68, SC की 61 और ST की 54। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कट ऑफ में इंक्रीजमेंट हुआ है। दोस्तों अब इसी को आगे देखते हैं, 2017 में जो पेपर फर्स्ट हुआ था, टायर वन हुआ था, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो यहाँ पर कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 117 गई थी, OBC की, मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, 102, SC की 90, ST की 90 और एक्स सर्विसमैन की 43 ही गई थी। फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो फीमेल में जनरल की 2017 में 112, 97, 84 और 81 गई थी। नेक्स्ट अगर दोस्तों इसी तरीके से हम बात करें, 2018 की टायर वन की कट ऑफ कितनी गई थी, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स की देख सकते हैं यहाँ से, जनरल की 140, OBC की 133, SC की 114, ST की 111, एक्स सर्विसमैन की 50 से लेकर 70 कैटेगरी वाइज ये गई थी। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की है तो 137 गई थी, 127, 110 और 99 के करीब गई थी, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वही 4-5 नंबर का फ़र्क पड़ता है। अब इस समय की बात करूँ तो करेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 में, अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम चल रहा है, उस करेंट एग्ज़ाम की बात की जाए तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट इज मच हायर देन 2018 प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर, ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स हम यहाँ मान सकते हैं कि अगर किसी ने 160 क्वेश्चंस किए हैं, 160 एक गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है, 160 प्लस एक अच्छा स्कोर यहाँ पर माना जा सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ
कितनी जा सकती है मेल कैंडिडेट्स की, तो जनरल की कट ऑफ 128 के करीब जा सकती है, ओबीसी की 112, एससी की 117 और एसटी की 114 के करीब जा सकती है। बिफोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से पहले यह डाटा मैं आपको दे रहा हूँ मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसी साल के लिए जो अब आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर दोस्तों इसी तरीके से हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग लगभग 9, 8 से 10 नंबर का यहाँ पर फर्क पड़ा है। 137 जनरल के लिए, ओबीसी 130 और एससी के लिए 126 और एसटी के लिए 119, तो लगभग नॉर्मलाइजेशन से 8 से 10 नंबर का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है मेल कैंडिडेट्स के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, एंड यही जाएगी, लगभग यही जाएगी, 2-4 नंबर ऊपर हो सकता है दोस्तों। एंड अगर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए करंट के एग्ज़ाम की, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल की 124, आप बिफोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन से पहले ओबीसी की 116, एससी की 108 और एसटी की 102 के करीब जा सकती है। नेक्स्ट, अगर दोस्तों बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ, तो जनरल की 131, ओबीसी की 120, एससी की 114 और एसटी की 108 के करीब जा सकती है। तो किसी का 131 प्लस स्कोर है तो एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर माना जा सकता है टायर वन के लिए। दोस्तों उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मैंने सब कुछ दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एसएससी सीपीओ टायर विन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, इसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आपके कितने मार्क्स हैं, मार्क्स तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका कितना अटैम्प्ट है, आपके कितने गुड अटैम्प्ट हैं, उनको आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और फिर हम अपनी कट ऑफ को भी देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप ही जब कट ऑफ गुड अटेम्प्ट्स बताते हैं कमेंट में, तभी मैं एक न्यू डाटा लेकर आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला, क्योंकि एसएससी की अपडेट सबसे पहले यहीं मिलती है।